साची मैं एटीएम से कैश लेकर आती हूँ। साची मैं आती हूँ। दीदी प्लीज मुझे बचा लो दीदी, बचा लो दीदी, मुझे बचा लो प्लीज। बात है फिरोजा, क्या कमाल की एक्टिंग की इसको यहाँ तक लाने के लिए। ट्रेनिंग किसने दी थी? क्यों, क्या बोली थी? दीदी दीदी बचा लो मुझे दीदी। खोल खोल वो। पापा कब आएंगे? आएंगे बेटा, यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना? प्राजक्ता तुम डरा दिया मुझे, तुम मेरे साथ चोर पुलिस खेल रही हो। What's wrong with you? तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत है। हा? तुम ऑफिस से घर के बीच दांडी मारते हो। गलत इल्जाम है मैडम। अच्छा? हाँ बिल्कुल गलत इल्जाम है। हमें तो 10 साल पहले ही आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। क्या मतलब? अरे तुमसे शादी जो कर ली मैंने। शट अप, ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं। अरे वैसे भी आइडिया मेरा नहीं था, अनन्या का था। अनन्या आ जाओ बेटा, डैडी। अनन्या तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया उसे? मेरे साथ ही तो थी, मैं पीछे। अनन्या 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 अश्विन अनन्या क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? देखो बताओ तो सही। इसे तो तेज बुखार है। सुनाओ का है बा? आपका नाम क्या है? तो घर कहाँ पे है? हाँ, अरे कुछ पता चला उन बच्चों के बारे में? नहीं मैम, पूरे एरिया में पूछताछ कर ली, लेकिन इन दोनों बच्चों के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, ना इनके बारे में किसी को किसी ने पूछते हुए देखा। ठीक है,
थोड़ी देर वहीं रुको। हाँ मैम। मैडम डॉक्टर सब आ गए। क्या हुआ बेटा? बताओ मुझे कहाँ पे ने? डॉक्टर, एडी डॉक्टर को बुलाइए। जी। पली, 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 पली। बेटा, ये बार-बार किसका नाम ले रही है? कौन है ये बली? आमी आज शहर अपना के देख लाम। क्या? बली। प्राजक्ता, इस बार तुम्हारा सामना एक साधारण अपराधी से नहीं है, बल्कि एक ऐसे रावण से जिसने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत ही दरिंदगी की हदें पार करके ना अपनी मर्दानगी के रूप में हम औरतों के वजूद को चेतावनी दी है। तुम्हें उस रावण को खत्म करना होगा, उसकी लंका को मिटाना होगा, जिसकी दहशत में वो मासूम बच्ची अभी भी सिसक रही है। और अब तुम समझ पाओगे कि उस मील डॉक्टर के छूने से वो बच्चे उस बेहोशी की हालत में भी कैसे सहम गई थी। भाई तो ये बच्ची तुम्हें मिली कहाँ? डॉक्टर, ये भी उसी के साथ थी। दूसरी बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, सेम केस है। सॉरी, मैम उन बच्चों की कंडीशन भी ऐसी नहीं है कि उनकी हम स्टेटमेंट ले सके। अगर अनन्या उनकी मदद नहीं करती तो इसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता। मुकुल, जहाँ से वो दोनों लड़कियाँ मिली क्या वहीं से कोई लीड? नहीं मैम, वहाँ की लोकल पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड सब इंक्वायरी कर रहे हैं। किसी से छूट कर भागी है वो, तभी उनके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, बली। दहशत तो इतनी है कि कुछ बोल भी नहीं पा रही है। एक काम करो, उस एरिया में जितने भी बली नाम के लोग हैं सबको उठा लो। अच्छा बुरा कुछ मत सोचो, क्योंकि हैवान की कोई शक्ल नहीं होती, और जब तक ये केस कंप्लीट नहीं होता कोई घर नहीं जाएगा। जिसने उन लड़कियों को इतना पेन दिया है ना, उसे मैं ज्यादा देर तक चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरी बच्ची गायब है और आप बोल रहे हैं कि प्रोजेक्ट में बिजी है। अरे आप पुलिस को कैसे केस? कामले, क्या हुआ? आपके बच्चे की एज क्या? मैडम मेरी बच्ची 17 साल की। शाम 5 बजे मैं उसे लेकर ATM गई थी, अकेली थी। जब मैं ATM से वापस आई तो वो साची कहाँ गई लड़की? जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है। उसके बाद कुछ देर तक मैंने उसका गाड़ी के पास वेट की, आसपास देखा, घर पे भी जाके देखा, पर जब वो नहीं मिली तो मुझे लगा कि उसका किडनैप हुआ है। मैडम मैं जानती हूँ कि उसका किडनैप किसने किया है। किसने किया है? मेरे पति ने। क्या? 3 साल पहले वो मेरी बच्ची को उठा कर ले गया था, और इसी पुलिस स्टेशन में मैंने उसकी FIR लॉन्च की थी। जब उसने मेरी बच्ची वापस की और उसने प्रॉमिस किया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तो मैंने उसकी कंप्लेंट भी वापस ली थी। लेकिन कोई पिता ऐसा क्यों करेगा? क्या आप दोनों के बीच कुछ झगड़े हैं? हमारा डिवोर्स हो चुका है और साची की कस्टडी भी मेरे पास है, और उस इंसिडेंट के बाद मैंने कभी उसे मिलने नहीं दी। आई एम श्योर मैडम साची का किडनैप उसी ने कराया है। ठीक है, कामले साची का नंबर सर्विलेंस पर डालो। यस मैम। मुकुल, उस एरिया का एक भी बली बचना नहीं चाहिए, याद रहे। यस मैम। ना आप चलिए मेरे साथ अपने पति के घर।
पता चला क्यों मारा? जी चल निकल यहां से, चलो। कहां है साची? हटो। अरे कहां जा रही है? कहां किडनैप करके रखा है तुमने उसे? क्या बकवास कर रही है तुम ये? मैडम ये औरत बहुत शातिर है, बहुत चालाक है ये। लास्ट टाइम इसने ऐसा ही किया था, मुझे बड़ी चालाकी से बोला कि सांची को लेके चले जाओ, और जब मैं लेके आ गया मैडम तो ये पुलिस स्टेशन चली गई और मेरे ही खिलाफ इसने किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवा दी। सांची को मैंने इसके साथ भेजा था जरूर, फिर क्यों तुम उसे बिना बताए मुंबई के बाहर ले गए? क्योंकि तुम मुझे उससे छीनना चाहते थे। सच सच बताओ जयेश, कहां छुपा के रखा है तुमने उसे? मुझे क्या, पागल हो गई है मैडम? सांची कहां है? ये देखिए मैडम, साची को ओरिगामी बनाने का शौक है और ये उसी ने बनाई। मुझे पता है कि साची यही कहीं होनी चाहिए, यही कहीं होगी वो। साची मैडम मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वो नहीं है यहाँ पे। ये सच है कि ये उसी ने बनाई है। इनफैक्ट वो कुछ दिनों पहले यहाँ आई थी कुछ देर के लिए, फिर चली गई। साची के साथ भागने का प्लान बनाया था इसने। ये देखिए, क्या ही 10 दिन बाद तुमने दुबई के लिए अपना और साची का वीजा लगाया? देखिए मैडम, मैं आपको बताता हूँ, साची को ये सब मालूम, और साची के कहने पे ही मैंने ये वीजा लगवाया। वो मेरे साथ कुछ दिन रहना चाहती थी और दुबई जाने से पहले हम ये सब नेहुल को बताने वाले थे, तो मैं उसे किडनैप क्यों करूंगा? मैडम आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए, इसी ने साची का किडनैप किया है। मैम मुझे तो लगता है इसको हमारी प्लानिंग के बारे में पता चल गया और किसी दूसरे आदमी के साथ मिलकर इसने गायब करवा दिया। ये बहुत बहुत शातिर है मैडम ये। स्टॉप इट। से देख रही हूं तुम दोनों सिर्फ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, लेकिन इस बात का किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि अगर सच में उसके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, गुजरता हुआ हर लम्हा उसे किसी बड़ी मुश्किल में ले जा सकता है। अगर तुम दोनों में से किसी का भी हाथ निकला ना इसके पीछे, अगर उस बच्चे को जरा सी भी फिजिकल या मेंटल हरासमेंट हुई, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मैं आपके साथ क्या करूं। चुपचाप पुलिस स्टेशन जा, अपना स्टेटमेंट दर्ज करा, समझे? मैं जो भी कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुन। 10-11 साल की दो लड़कियां मिली मुझे जिनके साथ बहुत ही घिनौना हादसा हुआ है, और उन दोनों की जुबान पे सिर्फ एक ही नाम है, बली। अगर शिनाख परेड में उन्होंने तुम्हें पहचान लिया ना, तो यहां से बाहर जाने के बाद तुम्हारा चेहरा और कोई पहचान नहीं पाएगा, समझे? अगर कुछ कन्फेस करना चाहते हो तो सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। मुकुल टाइमर ऑन करो। चले सच बोल। बोल बोलेगा बोलेगा कि नहीं? सच बोल। मैम प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढिए ना। उसका कोई बॉयफ्रेंड या फिर? साची अपनी हर पर्सनल बात मुझसे शेयर करती थी। अच्छा, तब तो जयेश के साथ दुबई जाने वाला प्लान भी शेयर किया होगा। नहीं मैडम, इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद वो अपना पर्सनल रखना चाहती होगी। एग्जैक्टली यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उसका बॉयफ्रेंड या उसका अफेयर भी उसका पर्सनल मैटर हो सकता है। सारे पेरेंट्स को यही लगता है जैसे आपको लग रहा है। एनीवे, आपके पति के अलावा आप पर किसी पे शक है? जी नहीं मैडम। आप दोनों के झगड़े के अलावा हाल ही में क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा या अनबन हुई थी? नहीं मैम। आप दोनों के जितने भी मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है बाहर कामले के पास लिखवा दो, और कोई रैंसम कॉल आए या फिर किसी अननोन नंबर से थ्रेट आए तो प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, पहले हमें बताइए। जी मैम। मैम किसी ने मुंह खोला? नहीं मैम। तब तो शिनाख परेड तक रुकना होगा। एनीवे, साची के मिसिंग केस में जितना भी सीसीटीवी फुटेज मिलता है सब कलेक्ट करो, उसके पेरेंट्स से जितने भी कॉन्टेक्ट मिलता है सबके लोकेशन चेक करो। यस मैम। और हाँ, तीनों को रात भर सोने मत दो। यस मैम। आप प्राजक्ता?
कुछ पता चला कौन है वो लड़कियां, कहां से आई है? अब ठीक तो है दोनों? अभी तो कुछ नहीं, पर हाँ जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता मैं घर नहीं आऊंगी। फिलहाल तो बच्चों से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। ठीक है, इसको मुझ पे शक हो गया है, जब तक ना बोलो ना तो मुझे फोन मत करना। प्लीज जयेश बताओ साची कहाँ है? तुमने उसे कहीं भी छुपा दिया हो मुझे एक बार बताओ प्लीज, ताकि मेरे दिल में जो भी डर है उसके लिए उसकी शांति हो। चाहे तो तुम मुझे कैद करो, मुझसे लिखवा लो कि मैं अपनी मर्जी से गायब हुई। जिस दिन तुम उसे दुबई लेकर जाओगे मैं बस उसी दिन सामने आ जाऊंगी। I promise you. क्यों तमाशा कर रही हो यहाँ पे? तुम्हारी यही प्रॉब्लम रही है कि जो बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है ना बस उसी को पकड़ के बैठ जाती हो तुम। अरे इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें कि जब वो अपनी मर्जी से दुबई मेरे साथ जाने के लिए तैयार थी तो मैं ये क्यों करूंगा ये सब कुछ? Anyway, ये पुलिस कुछ करे ना करे लेकिन मैं अपनी बेटी को ढूंढने जा रहा हूँ, न जाने किस हाल में होगी। पूनम जी है चिल्ड्रन एनजीओ से। मैम दोनों साथ में ही सोई हुई और बहुत डरी हुई है दोनों, किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही। मैम जब तक बच्चियों के पेरेंट्स का पता नहीं चल जाता मैं इनके साथ ही रहूंगी। थैंक्स। ऐसे कुछ पता चला क्या? अभी तक तो कुछ नहीं, बस उन्हीं के जागने का वेट कर रही। पता नहीं जब सच खुलकर सामने आ जाएगा तो कितना डरावना होगा। पूनम जी हम बचपन से अपने बच्चों को सिर्फ यही बात सिखाते हैं कि सबसे बच के रहे ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े उन पर। यहाँ तक कि देवी के रूप में पूजा करते हैं औरत की, फिर भी किसी शैतान की रूह तक नहीं कांपती जब वो ऐसे बच्चियों के कपड़ों पर हाथ डालता है। बाबा सही कहते, रिश्ता तसन्नस्त है और ऐसे शैतानों को तो पहचान पाना भी मुश्किल है। You're right, man. पता नहीं कितने होंगे। मैं जानती हूँ दीदी कि आप मुझसे नाराज हो, पर मैं क्या करती? इन लोगों ने मुझे बोला कि अगर मैं वैसा करूँ जैसा इन्होंने मुझे बोला है तो मुझे मेरे बाबा के पास वापस भेज देंगे, जैसे गौहर और शहर को अपने बाबा के पास वापस भेजा है। ये किसी से तो फोन पर बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि आपको दुबई भेजने वाले हैं और कल सुबह आकर यहाँ से लेके जाएंगे। मुकुल उन सबको रेडी करो, जैसे बच्चियां जाग जाएंगी उन सबकी शिनाख्त परेड होगी। मैम वो दोनों बच्चियां उठ गई हैं। देखो क्या यही था वो बाली? डरना नहीं बेटा, ध्यान से देखो क्या यही है वो बाली? देखो देखो जहाँ आप दोनों हमें मिली थी ना ये लोग भी वहीं से मिले। ना एरा ना क्या? मैम ये लोग बांग्ला में बात कर रहे हैं और बंगाली लोग वा की जगह बा बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग वाली की जगह बाली बोल रहे हैं? अगर ऐसा है तो उनकी बातें समझने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत है। यस मैम। लेकिन याद रहे वो फीमेल होनी चाहिए। ओके मैम। हाँ कमले। मैम साची की इन्वेस्टिगेशन में एक लीड मिली है। मैं आ रही हूँ। ए-
एक मिनट रिवाइंड करो, पॉज। ये देखो, ये लड़की जो शुरू से डरी हुई है, गाड़ी के सामने की तरफ देखकर साची को कुछ बताने की कोशिश कर रही है, और फिर वो गाड़ी से बाहर आकर गाड़ी के पीछे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिस तरफ वो देख रही है वहां से तो कोई नहीं आया। यहाँ कहीं साची को फंसाने के लिए कोई ट्रैप तो नहीं था? साची के पिता जयेश पटेल, उनकी फोन लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चेक की मैंने। जिस वक्त साची एटीएम के एरिया से गायब हुई थी, उस वक्त जयेश पटेल की फोन लोकेशन उसी एरिया की है। ये देखिए, मैं 4:45 से 5:30 बजे तक वो उसी एरिया में थे, और साची अपने माँ के साथ 5 बजे एटीएम के एरिया में गई थी। मैम, मैंने इन कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में जयेश से बात भी की थी। उस वक्त सब वो मेरी साची का कुछ पता चला नहीं, लेकिन आप एटीएम वाली जगह पर क्या कर रहे थे जिस वक्त साची वहाँ से किडनैप हुई थी? देखो, छुपाने की कोशिश मत करो, आपकी मोबाइल लोकेशन साची के किडनैपिंग लोकेशन से मैच हुई है। सर, वो एटीएम मेरे घर के रास्ते में पड़ता है, मैंने वहाँ से पैसे निकाले थे और फिर पास में एक कैफे पे बैठ गया, फिर मैं घर निकल गया। सर, ये देखिए मैसेज। सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप मुझ पर शक करने के बजाय प्लीज साची को ढूंढिए। सर, मेरी बच्ची गायब है। कमले, एटीएम के आसपास के एरिया में दोनों बच्चियों के साथ साथ जयेश के भी फोटो सर्कुलेट करो, पता करो किसी ने उसे देखा था। मुकुल, साची की लास्ट फोन लोकेशन क्या दिखा रही है? मैम, एटीएम वाले एरिया के बाद से साची का फोन स्विच ऑफ है, लेकिन जब से ये जयेश दुबई से वापस लौटा है ना, लगातार साची के कॉन्टैक्ट में। जयेश का मोबाइल सर्विलेंस पे डालो, उस पर नजर रखो, लेकिन उसे पता ना चले कि वो हमारे रडार पे। यस मैम। हाँ पूनम जी। मैम, वो ट्रांसलेटर आ गई है। मैं आ रही हूँ। कुछ बताया लड़कियों ने? बच्चियां बहुत डरी हुई है, दोनों बांग्लादेश से आई है, उनके माता पिता बहुत गरीब है, तो थोड़े पैसों के लिए उन्हें काम करने के लिए यहाँ भेज दिया गया। पहले तो कुछ दिन तक उन्हें कहीं रखा गया था, हर रात इनको कहीं ले जाया जाता था या तो कोई उनके पास आता था। किसी का नाम लिया? नहीं मैम, हम लोगों को किसी का नाम ही नहीं पता है। फिर वो वाली, मेरा मतलब है वाली, कुछ कह रहे थे, वो क्या था? मैंने पूछा मैम उन लोगों को, वो एक जगह का नाम है जहां से दोनों लड़की भागी थी, उस जगह का नाम कई बार सुना था उन लोगों ने। अभी आज भी तो उसके पहले बच्चे की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछ रहा था। क्या वो यही थी? हाँ, इसी की फोटो दिखा रहा था, बोल रहा उसकी बेटी है। देखो बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक से याद करके बता क्या नाम था उस जगह का। भलो करे मन करो तो भय पाबे ना, जेटा जिज्ञेस करछो बोलो जगह नाम की छिलो। डोंबिवली? नहीं तो फिर बोरीवली, कांदीवली। हाँ बोल रही, कांदीवली, कांदीवली। हाँ बस निकल रहा हूँ उसको लेकर। अरे रात भर से चिल्ला रही है यार। कोई भी प्राइवेट गाड़ी लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, तब तक मैं भी चेंज कर लेती हूँ। मैम, ये साची को जिस एरिया में हम लोग ढूंढ रहे थे, जयेश भी उसे उसी एरिया में ढूंढ रहा था। पता नहीं चल रहा है ये जयेश सच में उसे ढूंढ रहा है या हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो सच में उसे ढूंढ रहा हो, और वैसे भी उसका पासपोर्ट तो हमारे पास है, भागकर कहाँ जाएगा। मैडम, पूरा कांदीवली देख के हो गया।
लगता है इन लोगों को कुछ याद नहीं है। ओए गाड़ी था, ओए गाड़ी था जी होता था कि पहले चिलम। वो बोल रही करके वो वही गाड़ी है जिससे लोग भागे थे। बकुल। यस मैम। से पता चलेगा। क्या वो बोल रही थी कि हमें लेफ्ट नहीं जाना। इस तरफ बाकी का मेकअप हम कर देंगे। कौन है आप लोग और यहाँ मेरे पार्लर में कैसे आए? इंस्पेक्टर प्राजक्ता भोसले। बाकी लड़कियां कहाँ हैं? मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो अपना पार्लर चलाती हूँ बस। अच्छा कुछ नहीं है मैम। अब बोलो मुकुल चेक करो। मैम सीक्रेट डोर है। चल चल कोई नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ आपको। ये देखिए मैडम, साची को ओरिगामी बनाने का शौक है और ये उसी ने बनाई। बताओ कौन कौन है तुम्हारे साथ और बाकी की लड़कियां कहां हैं? बता। मैडम वो सुमित, मैं तो बस सुमित को ही जानती हूं। अच्छा सच बोलो। सुमित ही लड़कियों को लेकर आता था और मैं तो सिर्फ लड़कियों को अपने यहां रखने का कट लेती थी मैम। पहले वो लड़कियों को लेकर आता था, फिर वो उन लड़कियों की शक्ल से मिलती जुलती लड़कियों के पासपोर्ट देता था और मैं उन लड़कियों का गेटअप पासपोर्ट में दिखने वाली लड़कियों जैसा करती थी। फिर वो लोग लड़कियों को बाहर दूसरे देश में लेकर जाते थे। मैडम ऐसे कितनी लड़कियों को भेजा आज तक? गिनती तो याद नहीं है मैडम, लेकिन होंगी 400-500। सांची को कहाँ छुपाया? वो तो मुझे नहीं पता मैडम, सुमित लेकर गया है सांची को, उसे दुबई भेजने वाले। मैडम वो तो लोकल लड़की है ना? जी मैडम, सुमित का कहना है कि बाहर के देशों में लोकल लड़कियों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कैसे उठाया उसे? मैडम हमने अपनी एक लड़की फिरोजा को ट्रेन किया और जब साची फिरोजा को बचाने के लिए आई तो हमने उसका किडनैप कर लिया। सुमित का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। सुमित ने कभी मुझे अपने फ़ोन से फ़ोन नहीं किया, हमेशा लोकल PCO से फ़ोन करता था, लेकिन आज वो कुछ लड़कियों को लेकर आने वाला है जिससे पहले वो फोन जरूर करेगा। मैडम सुमित की कोई फोटो? नहीं मैडम। मुकुल कांदिवली में इसके पार्लर के आसपास जो भी कोई हॉस्पिटल होगा उसके बारे में पता करो। सुमित को हम वहीं पकड़ेंगे क्योंकि इसके घर के आसपास तो लोगों को सब पता चल चुका है। हेलो मैं पासपोर्ट भेजता हूँ, उस लड़की का जो लुक है वैसे ही मेकओवर चाहिए इसका, सोना को भेजता हूँ, तब तक कपड़े अरेंज करो। ओके। आज वो कुछ लड़कियों को लेकर आने वाला है,
जिससे पहले वो फोन जरूर करेगा मुझे। हेलो पूजा। वो मैडम को ग्लोबल ग्रीन हॉस्पिटल में एडमिट किया है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो वो बात नहीं कर पाएंगी। आप कौन? हेलो हेलो, शायद उसी का फोन था। क्या लगता है मैम, वो आदमी आएगा? अगर वो लड़कियों को लेकर निकल चुका है तो वो जरूर आएगा। पूजा के घर जैसी सेफ जगह चाहिए उसे। होप फॉर द बेस्ट। भाई साहब, मेरी एक हेल्प करेंगे क्या? जी कहिए। मेरी वाइफ एडमिट है, एक्चुअली हमारा झगड़ा हो रखा है। अगर आप रिसेप्शन में जाकर ये पता कर ले कि वो किस वार्ड में एडमिट है तो मैं जाकर उससे मिल भी लूंगा और डॉक्टर से बात भी कर लूंगा। ये तो आप भी खुद कर सकते हैं ना? कर लेता अगर उसके साथ उसके मायके वाले ना होते तो। आपकी हालत तो धोबी कुत्ते जैसी है। चलिए मैं पता करके बताता हूँ। जी शुक्रिया। अच्छा उसका नाम क्या है? जय जौहरी। मैडम, ये पूजा जौहरी किस वार्ड में है? क्या नाम बताया? पूजा जौहरी। पूजा जौहरी, वो वार्ड नंबर 2 में। थैंक यू। अमले, अलर्ट। हाँ मैम। आपके रिलेटिव है? नहीं नहीं, वो उनका हस्बैंड पूछ रहा था हमसे। वार्ड नंबर 2 की तरफ जा। कामले। हेलो। हाँ मैडम। हेलो हेलो। हाँ 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 मैडम बोलिए। अरे वो आपकी वाइफ वार्ड नंबर 2 में एडमिट है। धन्यवाद भाई सर। एक ब्लू शर्ट वाला आदमी बाहर आ रहा है, उस पर नजर रखो। देखो किससे बात करता है। सुमित, रुक रुक। अब बता, इस रैकेट में तेरे साथ कौन कौन शामिल है? बता। कहां है वो 500 लड़कियां जिनकी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाकर तुम उनके साथ ये दरिंदगी का काम कर रहे थे? बताओ कहां है साची? कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ? मुंह नहीं खुलेगा ना तो मुंह तोड़ के रख दूंगी, समझा? मैडम, इसकी बीवी और बेटी का पता लग गया है, ये देखिए। मासूम लड़कियों के साथ हैवानियत करने का बहुत शौक है ना तुझे? अब तेरी इस हैवानियत का काला चित्रा तेरी बीवी और बच्ची देंगे। लेकर आती हूँ। मैडम, मैडम मैं आपको सब सच बता दूंगा, इनका इन सबसे कोई वास्ता नहीं है मैडम। बता। इसमें हम 4 लोग इन्वॉल्व हैं। पहला मैं बांग्लादेश से लड़कियां लाकर यहां सप्लाई करता हूं, फिर उनको पूजा के शेल्टर होम में भेजा जाता है जहां उनके काम के हिसाब से उनका रेट फिक्स होता है। 3 कैटेगरीज होती है, घरों में काम करने वाली, दूसरी सेक्स रैकेट में बेची जाती है, तीसरी
वो क्रीम वाली होती है ना, उनको बाहर के मुल्कों में भेजा जाता है। बाकी दो लोग कौन है? मोहित राज। इसके यहाँ से लड़कियों को इंडिया के कई जगहों में भेजा जाता है, और चौथा वो जैसे मुर्दजा, ये इन लड़कियों की शक्ल से मिलती जुलती लड़कियों का पासपोर्ट लाकर इनको बाहर भेजने का काम करता है। सांची के साथ आज कई लड़कियों को ये विदेश भेजने वाला है। कहाँ मिलेंगे दो? रसिक मुर्तजा कर इन लड़कियों को लेकर नहीं निकला होगा तो मोहित के होटल में मिल जाएंगे। क्या नाम है उस होटल का? तीखा मसाला। कहाँ है? कांदीवली। मुकुल, उस एरिया के पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो, आसपास के एरिया में नाकाबंदी लगा दो। एक भी गाड़ी बिना चेक किए जानी नहीं चाहिए। नाम? सबीना अहमद। वालिद का नाम? रहमान अहमद। अच्छा, कहाँ जा रही हो? खाला के पास, दुबई। वेरी गुड, काफी समझदार लड़की हो, जल्दी समझ गई। अब कोई कमी नहीं है तुझमें, परफेक्ट। मुकुल, आजू बाजू मैं चेक कर। यस सर। मोहित राज, जल्दी से अपना मुंह खोल, बताओ लड़कियां कहाँ? मैम, पीछे एक सीक्रेट रूम है। ये चलो सर। इधर है मैम। मुकुल, इसका मतलब साची यहीं थी। चेक करो आसपास में कुछ मिलता है क्या। यस सर। हाँ, इतनी लेट रात को कहाँ से आ रहे हो? साहब, वो बच्चे लोगों का प्रोग्राम था ना स्कूल में, इसलिए थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करने में थोड़ा सा टाइम जाता ना साहब। जाओ साहब, सबका फोन आ रहा है, घर छोड़ना होगा सर। जाओ जाओ, चलो। यहाँ से कोई गाड़ी गई जिसमें लड़कियां थी? मैम, वैसे तो कोई नहीं गई, सिर्फ एक स्कूल वैन गई है और उसमें लड़कियां बैठी थी। किस तरफ गई है? लेफ्ट साइड में गई है मैम। धन्यवाद प्राजक्ता भोसले जी, आज आपकी वजह से हमारी फिरोजा न सिर्फ सुरक्षित पहुंच गई है बल्कि अब वो बड़ी होकर आपकी तरह ही बनना चाहती है। खुश नसीब भैया फिरोजा, लेकिन ऐसी कई फिरोजा और हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। ये केस फाइल तब तक बंद नहीं होगी जब तक पुलिस और कानून उन लड़कियों तक पहुंच नहीं जाता जो दुनिया के किसी कोने में किसी ऐसे अपराध का शिकार हो रही है जिसे सोचकर भी रूह कांपती है। मेरी बेटी अनन्या के मदद करने की आदत की वजह से हम इस घिनौने अपराध तक पहुंच सके जब 10 साल की गौहर और सहर ने उसकी मदद मांगी थी। लेकिन हर मददगार अनन्या जितना लकी नहीं होता। अब यही देख लीजिए, साची ने भी तो मदद करने की कोशिश की लेकिन
लेकिन वो खुद एक साजिश का शिकार बन गई। मैं ये नहीं कहती कि किसी अनजान की मदद ना करे, हाँ लेकिन मदद करते वक्त सावधान जरूर रहे, क्योंकि मददगार और गुनहगार का कोई रूप कोई चेहरा नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमारी अपनी मजबूरी ही दूसरे को अपराध करने का लालच देती है, जैसा इन लड़कियों के साथ हुआ। मैं पीआई प्राजक्ता भोसले फिर लेकर आऊंगी एक सच्ची घटना, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।